पानी बिजली के लिए भीषण गर्मी में सड़क पर कनक दंडवत लगाई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता का अनूठा प्रदर्शन, देखते रहे लोग। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली पानी की समस्या के निराकरण की मांग को लेकर बुधवार को युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने कनक दंडवत लगाते हुए प्रशासन से गुहार लगाई। युवा कार्यकर्ता हरिमोहन आज़ाद ने सुबह 11 बजे सोमनाथ सर्किल से कलेक्ट्रेट तक कनक दंडवत लगाई। चिलचिलाती धूप के बीच युवक को कनक दंडवत लगाते देख रास्ते से गुजरने वाले हर कोई शख्स हैरान रह गया। कई लोग तो अपने वाहनों को रोककर देखने लगे कि आखिर मंजारा क्या है। मीडिया से बात करते हुए आज़ाद ने कहा कि पानी बिजली की मांग को लेकर कनक दंडवत लगा रहा हूँ, वैसे भी भयंकर गर्मी में आए दिन लोग मारे जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन को बताकर मरना बेहतर होगा कि लोगों के लिए बिजली पानी कितना ज़रूरी है। उसने बताया कि कई दिन पहले भी ज्ञापन देकर अघोषित बिजली कटौती को दुरुस्त कराने तथा पानी की समस्या दूर करने की मांग की थी, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता दें कि दौसा जिला मुख्यालय पर करीब 10 दिन से एक बार पानी की आपूर्ति हो रही है, वहीं ग्रामीण इलाकों में तो बदतर हालात बने हुए हैं। प्यास बुझाने के लिए लोगों को महंगे दामों में टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जबकि जलदाय विभाग द्वारा टैंकरों से निःशुल्क पानी सप्लाई के दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में भीषण गर्मी के दौर में व्यवस्थाएं गड़बड़ाने से लोगों में रोष व्याप्त है। सर, पानी और बिजली की डिमांड है, वैसे भी मर ही रहे हैं, तो मरते मरते कम से कम सरकार को तो बता के जाए हम क्यों मर रहे हैं, जो सरकार के कानों में जू भी नहीं रेंग रही है। आज से 3-4 दिन पहले भी हमने प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आप सुन रहे थे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता को, वो बता रहे थे इस भीषण गर्मी में क्यों लगाई कनक दंडवत।